कि भीलवाड़ा जो राजस्थान का एरियाज है वहां पर कई जगह पर बुलडोजर परसों लगाए गए हैं और बुलडोजर्स के माध्यम से वहां पर कई प्रॉपर्टीज एरियाज को डेमोलिश कर दिया गया। जब कोर्ट ने 2 सितंबर को ऑर्डर पास किया था और यहां पर एफिडेविट भी तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने दिया हुआ था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी इन्होंने किया। कोर्ट ने सारी चीजों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। कोर्ट ने यह भी बोल दिया लास्टली कि तब तक के लिए आप बीच में कोई भी बुलडोजर्स नहीं चलाएंगे और साथ में यदि आपको कुछ ऐसी नेसेसिटी आप पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। हमारी जो जनहित याचिका है वो कांग्रेस पार्टी की है और वो आलोक शर्मा का जो कांग्रेस के लोकसभा सॉरी मीडिया स्पीकर है, नेशनल मीडिया स्पीकर, उनके तरफ से है। हमारी जो पिटीशन चल रही थी सारे पिटीशन को लेकर के पहले ही जो सॉलिसिटर जनरल्स हैं उन्होंने पहले टाइम ग्रांट करने के लिए बोला था कि हमें 2 वीक का टाइम दे दिया जाए। उसमें हम लोगों ने जो आर्ग्यूट किया क्योंकि भीलवाड़ा जो राजस्थान का एरियाज है वहां पर कई जगह पर बुलडोजर परसों लगाए गए हैं और बुलडोजर्स के माध्यम से वहां पर कई प्रॉपर्टीज एरियाज को डेमोलिश कर दिया गया। जब कोर्ट ने 2 सितंबर को ऑर्डर पास किया था और यहां पर एफिडेविट भी तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने दिया हुआ था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी इन्होंने किया। ये एक ग्राउंड था और यह कोर्ट से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपके ऑर्डर की कोई अहमियत ये लोग नहीं रखते हैं और आपके ऑर्डर पास होने के बावजूद भी ये सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने यह भी रिक्वेस्ट किया था कि जो जलगांव में हुआ तो उन्होंने बोला कि ये इस तरह से नहीं है, हमने पूरे सारी चीजों को कवर किया है, पर हम लोगों ने यह बोला कि लॉर्डशिप यू डिड नॉट फाइल देयर, इन्होंने 4-5 प्रोसेस को नहीं फॉलो किया है बिकॉज देयर इज द नॉट ज्यूडिशियल पावर हैविंग द डीएम्स, डीएम के पास कोई ऐसी ज्यूडिशियल पावर्स नहीं थी जो उन्होंने डेमोलिश किया है, ये किसी मस्जिद को लेकर के या धर्म को लेकर के था, इन सारी चीजों को लेकर के। तो कोर्ट ने तुषार मेहता जी ने फिर से बोला कि नहीं मैंने ये किया है, फॉलोस किया है, पर सच्चाई ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब कोर्ट ने सारी चीजों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इस कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन फर्स्ट। सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेड़ी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस का मतलब काफी व्यापक शब्द है क्योंकि वो जो लीगल सीआरपीसी का प्रोसेस होता है आपको नोटिस देना है, कोर्ट के संज्ञान में देना है, ये सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। ये आपने नहीं किया इसका मतलब है इस इलीगलिटीज हैज बीन डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदर आद होम अफेयर्स इंडिया। तो ये सारी चीजों के साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया लास्टली कि तब तक के लिए आप बीच में कोई भी बुलडोजर्स नहीं चलाएंगे और साथ में यदि आपको कुछ ऐसी नेसेसिटी आप पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। अब बात आती है कि इस बीच में जैसे इन्होंने 2 सितंबर के ऑर्डर्स को फॉलोस नहीं किया है, बाद में बीच में कुछ करते हैं तो फिर ये कंटेम्प्ट पिटीशन के लिए तैयार रखे। जैसे कि मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि जो हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिटीशन फाइल किया था उसमें 4 हमारी मेन प्रेयर्स थी जिसमें जितने भी डीएम और एसपी जो है डीएसपी जो हुई है पूरे नेशनल के जिसमें 11 राज्य जो बीजेपी शासित राज्य है उन राज्यों के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। साथ में मैंने यह भी बोला है कि जिन लोगों के ये बिना कोर्ट के कंसर्न के ऐसा इन्होंने घर गिराया है तो उनके ऊपर ये पूरा कंपनसेशन इनका अलाउ होना चाहिए और उनका ये घर को बनाने के लिए कोर्ट ने हमारी पिटीशन को भी अलाउ कर दिया है और उसके साथ में उस मैटर को सुनने के लिए तैयार हो गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।